तिलवारा थाना अंतर्गत बाईपास में पुलिस ने एक कंटेनर से 50 मृत मवेशियों को बरामद किया है, जबकि 8 गौवंश उसमें जिंदा पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को एक कंटेनर में मुरैना से नागपुर के लिए 58 मवेशियों को ले जाया जा रहा था, लेकिन इन मवेशियों को कंटेनर में ठूस ठूस कर भरा गया था, जहाँ सांस लेने के लिए भी मवेशियों को बेहद परेशानी हो रही थी। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने कंटेनर को खोल कर देखा तो अंदर का नजारा देख कर दंग रह गई। दरअसल बमुश्किल 30 मवेशियों की क्षमता वाले कंटेनर में 58 मवेशी मिले, जिसमें से अधिकतर मवेशियों की मौत हो चुकी थी और अंदर से दुर्गंध आ रही थी। इसके बाद नगर निगम की टीम को बुलवाकर पुलिस ने मवेशियों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। जब मवेशियों को कंटेनर से बाहर निकाला गया तो उसमें से 50 मवेशियों की मौत हो चुकी थी। इसमें कल दोपहर में थाना तिलवारा पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रक जो है, जिसका नंबर MP06HC1353 है, वह कुछ मवेशियों को मुरैना से नागपुर लेकर के जा रहा है। तो इस सूचना पर जब थाना तिलवारा पुलिस द्वारा वहां पर दबिश दी गई तो जो तिलवारा ब्रिज है वहां पर वह ट्रक मिला, और उसमें जब खोला गया उसको तो उसमें 58 गौवंश संख्या में मिले, और जिसमें से दुर्भाग्यवश 50 जो है मृत हालत में थे, 8 को उसमें से जीवित निकाला गया, और इस पर जो है थाना तिलवारा द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है गौवंश अधिनियम अंतर्गत, और कार्यवाही की जा रही है। मैडम कहाँ ले जाएगा? ये नागपुर ले जाया जा रहा था। ट्रक के दो नंबर सामने आए थे। इसमें जो सही नंबर है जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आया वो MP06HC1353 है, जिस पर और आगे जाँच पड़ताल की जा रही है। इसमें मौके पर से ड्राइवर फरार हो गया था, ट्रक ही मिला था बस पुलिस को वहां पर। जितने मवेशी थे उसमें कितने जीवित मिले? इसमें 58 टोटल गौवंश थे, जिसमें से 50 दुर्भाग्यवश मृत हालत में मिले थे और 8 को जीवित निकाला गया नगर निगम की मदद से।